दोस्तों भारत ने अब तुर्की के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में तुर्की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जहां एक तरफ भारत की ओर से उसे मदद दिए जाने के बावजूद भी तुर्की आखिरकार अपने रंग दिखाते हुए भारत के खिलाफ ही चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत भी तुर्की को छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने इस बार तुर्की को अच्छे से सबक सिखाने की ठान ली है और इसके बाद तुर्की को अपने किए की भयंकर सजा मिल गई है जो जिंदगी भर उसे याद रहेगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर तुर्की के साथ ऐसा क्या कर दिया है, क्या कुछ हुआ है, इन सभी बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों तुर्की को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि भारत अब उसको उसकी गद्दारी की सजा देने वाला है जो तुर्की ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत दौड़ करके मदद करने वहां पहुंचा था और 24 घंटे के अंदर ही भारत ने वहां पर मदद पहुंचा दी और इस तरह की मदद की कि वहां की जनता भी खुद बोल पड़ी कि हम भारत को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए तालियां बजाने लगी। उस वक्त लग रहा था कि शायद तुर्की सुधर जाएगा, लेकिन अभी भूकंप के झटके से तुर्की ठीक से बाहर निकला भी नहीं था और ना ही अपने पैरों पर ठीक से चल पा रहा था कि फिर से तुर्की ने कश्मीर कश्मीर चिल्लाना शुरू कर दिया और यूएन में बाकायदा बयान भी दे डाला। ऊपर से पाकिस्तान में अपने सबसे खतरनाक ड्रोन्स की खेप भी भेज दी जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और दोस्तों ये भारत के लिए बड़ा संकट भी है। ऐसे में दोस्तों उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने भी अब ठान ली है क्योंकि दोस्तों तुर्की ने दिखा दिया कि चाहे उसके साथ कैसा भी अच्छा बर्ताव क्यों ना कर लिया जाए वो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन तुर्की और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन ये भूल गए कि किस देश से पंगा ले रहे हैं। ये देश अब पूरी तरह से बदल चुका है और ऐसे में भारत ने तुर्की के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज तुर्की और पाकिस्तान दोनों में सुनाई दे रही है। दरअसल दोस्तों भारत अपनी वायुसेना को तुर्की के दरवाजे पर उतार चुका है। पहले तुर्की के साथ हमारे अच्छे संबंध हुआ करते थे और ऐसे में भारत उसके आंतरिक मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देता था। तुर्की का जानी दुश्मन है ग्रीस और साइप्रस जिससे उसका झगड़ा है। साइप्रस को लेकर के तो ठीक उसी तरह का झगड़ा है जिस तरह से कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऐसे में दोस्तों ग्रीस और साइप्रस हमेशा से ही भारत से मदद मांगते थे कि आप हमारे साथ सैन्य संगठन बना लो, लेकिन भारत कभी ग्रीस के साथ में और साइप्रस के साथ में नहीं गया क्योंकि तुर्की के साथ भारत के अच्छे रिश्ते थे। लेकिन जब तुर्की ने खुद ही रिश्ते बिगाड़ लिए तो भारत ने भी ग्रीस और साइप्रस के साथ चलना शुरू कर दिया और दोस्तों ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत ने कई एमओयू भी साइन कर लिए हैं। और दोस्तों अभी तक केवल एक ही चीज थी जो भारत ने नहीं की थी और वो थी अपनी सेनाओं को उतारना, और अब भारत ये भी करने जा रहा है क्योंकि इस काम से भारत को दो बड़े फायदे होने वाले हैं। एक तो दोस्तों 18 अप्रैल को ग्रीस में एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास होने जा रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना के Sukhoi-30 MKI विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारत के अलावा ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया जैसे देश इस युद्धाभ्यास में शरीक होंगे। और इस युद्धाभ्यास में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि F-16 फाइटर जेट के साथ भारत युद्धाभ्यास करेगा और ये F-16 फाइटर जेट वही है जिसके दम पर पाकिस्तान हमेशा से शेखी बगाड़ता रहता है। यानी इस युद्धाभ्यास में पूरी तरह से भारत को ये देखने का मौका मिलेगा कि F-16 आखिर कैसे काम करता है, उसकी क्या खामियां हैं और उसे नाकाम कैसे किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत और ग्रीस स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स या फिर वॉरशिप के साथ जॉइंट ट्रेनिंग के बारे में भी आगे फैसला ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों ग्रीस में होने वाली इनियोचोस 23 हर साल आयोजित होने वाली एक वॉर एक्सरसाइज है। इस युद्धाभ्यास में भारत और ग्रीक पायलट्स जमीन पर मौजूद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करते हुए नजर रखेंगे। जहां ये युद्धाभ्यास भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा तो वही ग्रीस के पड़ोसी तुर्की का सिरदर्द बढ़ाने वाला भी साबित होगा। तुर्की ग्रीस के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताता है, ऐसे में इस एक्सरसाइज से उसे जरूर मिर्च लगने वाली है। वैसे दोस्तों साल 2020 में ही तुर्की और पाकिस्तान की सैन्य रणनीति का जवाब देने के लिए भारत और ग्रीस ने इस तरह की एक्सरसाइज के अलावा सैन्य उत्पादन और ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की डील साइन की थी। दोस्तों ग्रीस और भारत तब साथ आए जब 3 साल पहले तुर्की ने अपनी सीमा के करीब कई मोर्चों को खोल दिया था। लीबिया, सीरिया और नागानो काराबाख जैसी सीमाओं के पूरी तरह से खुलने से ग्रीस टेंशन में आ गया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने तुर्की का बहुत समर्थन किया था। तुर्की और ग्रीस पिछले कई सालों से आमने सामने हैं और सीमाओं को लेकर के इनके बीच में विवाद चल रहा है। अब दोस्तों भारत और ग्रीस के बीच ये ज्वाइंट एक्सरसाइज सैन्य सहयोग को और ज्यादा गहरा कर देगी। दोस्तों इससे दोनों देशों को आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाने में
फायदा मिलेगा, साथ ही कई अहम जानकारियां और टेक्नोलॉजीज भी आदान प्रदान हो सकेंगी। दरअसल दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के बीच गठजोड़ से तुर्की को दुश्मन के खिलाफ बड़ा फायदा हुआ, तो वहीं ग्रीस ने भारत के रूप में ऐसा साथी तलाश लिया है जो उसके लिए एकदम परफेक्ट है और इस क्षेत्र में शक्ति को संतुलित करने में बड़ा काम आ रहा है। दोस्तों, भारत ने तुर्की की कमजोर नस दबाकर उसे जोर का झटका दिया है, क्योंकि ग्रीस से नहीं तुर्की की दादागिरी से साइप्रस भी परेशान है और वो भी भारत के साथ डिफेंस डील कर चुका है। साइप्रस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर की प्राकृतिक संपदा और अपने क्षेत्र को लेकर के लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा है। इसकी शुरुआत 1974 में तब हुई जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करते हुए अवैध कब्जा कर लिया। तब दोस्तों साइप्रस में सैन्य विद्रोह हुआ जिसे ग्रीस का सपोर्ट मिला और इस बात से तुर्की बौखला उठा क्योंकि ग्रीस के साथ उसका समुद्र में पहले से ही विवाद चल रहा था। लिहाजा उत्तरी साइप्रस पर कब्जा करने के बाद तुर्की की सरकार ने उसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दिया। ये दोनों ही देश बहुत बार भारत से मदद मांग रहे थे, लेकिन दोस्तों तुर्की से तब की मित्रता की वजह से भारत ने इसका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बाद में तुर्की की धोखेबाजी को देखा तो सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और तुर्की को क्लियर मैसेज दिया। मुलाकात में उन्होंने साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर खास फोकस किया। भारत इस विवाद का संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की डिमांड कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में तुर्की के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में भी भारत के इसी रुख पर जोर दिया था और अब भारत खुलकर ग्रीस और साइप्रस के साथ डिफेंस डील और डिफेंस की एक्टिविटीज बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं।